वाइज आपके सामने अल्टरनेट सेगमेंट पे बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टू ए सर्किल सच दैट एंगल आर पी क्यू इजल टू थर्टी डिग्री दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हमने एक्सट्री पॉइंट से पी क्यू एंड पी आर एन एंगल आर पी क्यू हमें थर्टी डिग्री दे रखा है एक कॉर्ड आर एस एज ड्रॉन पैदल टू टेंजेंट पी क्यू आर एस एक कॉर्ड है वो पी क्यू के पैदल ड्रॉ किया गया है आप देख सकते हो आर एस एंड पी क्यू बोथ आर पैदल ठीक है देन वी हैव टू फाइंड एंगल आर क्यू एस तब हमें क्या करना है एंगल आर क्यू ऐसा हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए गाइज हमें पता है जब भी किसी भी एक्सच पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है सर्कल पर तो दोनों की लेंथ क्या होती है इक्वल सो हेयर पी क्यू इजक्वल टू पी आर यहाँ पर पी क्यू हमारा किसके इक्वल होगा पी आर के इक्वल ओके सो पी क्यू इजक्वल टू पी आर पी क्यू हमारा पी आर के इक्वल है देअर फोर ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी आइसोसेलिस्ट ट्राइंगल यहाँ पे जो पी क्यू आर है वो हमारा क्या होगा आइसोसेलिस्ट ट्रा ठीक है बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल और जब भी ट्राइंगल हमारा आई सी ट्राइंगल होता है तो साइड्स के अपोजिट दोनों एंगल्स क्या होते हैं इक्वल इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल एंगल आर क्यू पी और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल क्यू आर पी दे विल बी इक्वल सो इट इम्प्लाइज एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ओके रीजन बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ओके सो एंगल आर क्यू पी इजक्ल टू एंगल पी आर क्यू तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे लेट इन दोनों एंगल को हमने मान लिया एक्स बिकॉज दोनों इक्वल हैं सो इन ट्राइ एंगल पी आर क्यू ट्राइंगल पी आर क्यू में आप एंगल समय प्रॉपर्टी लगा सकते हो एक्स प्लस एक्स प्लस थर्टी डिग्री इट इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सो टू एक्स इजक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री एंड एक्स इजक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री तो एक्स हमारा यहाँ से क्या जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्री मीन्स एंगल पी आर क्यू एन एंगल पी क्यू आर ये दोनों आपके क्या आ गए गाइज सेवनटी फाइव डिग्री ओके सो बोथ आर सेवनटी फाइव डिग्री यहाँ से ये दोनों हमारे सेवनटी फाइव डिग्री आ चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो बोथ आर इक्वल टू सेवनटी फाइव डिग्री ओके गाइज अब आप यहाँ पे देखिए आर एस इज पैदल टू पी क्यू आर एस हमारी पी क्यू के पैदल है हेयर आर एस इज पैदल टू पी क्यू आर एस हमारी क्या है पी क्यू के पैदल तो एन आर क्यू इज़ ट्रांसवर्जल सो एंगल एस आर क्यू इट इज़ इक्वल टू आर क्यू पी तो ये दोनों गाइज एंगल्स हमारे इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स ये हमारे अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है सो हेयर एंगल एस आर क्यू आर एस इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड आर क्यू इज़ ट्रांसवर्जल देयर फोर एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ओके सो एंगल आर क्यू पी हमारा सेवेंटी फाइव डिग्री आया था तो यहां से गाइज ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा सेवनटी फाइव डिग्री ओके तो एंगल क्यू आर एस और यू कैन से दैट एस आर क्यू हमारा आ चुका है सेवनटी फाइव डिग्री नाउ गाइज अभी अभी मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थी और बताई थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कोई एक सर्किल है और एक टेंजेंट है और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर कॉर्ड है लाइक पी क्यू ओके तो ये वाला जो एंगल है वो किस एंगल का इक्वल होता है पी क्यू जो कॉर्ड है हमारा वो रिमेनिंग सेगमेंट में जो एंगल बनाता है उसके इक्वल होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज पी क्यू हमारी टेंजेंट है क्यू आर हमारा एक कॉर्ड है तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आर एस क्यू एंगल मेड बाय अल्टरनेट सेगमेंट तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे ये सेवनटी फाइव है तो ये भी गाइज क्या होगा सेवनटी फाइव डिग्री ओके सो so हेयर एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ओके गाइज ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बेहतरीन यूज़ हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का सो so यहाँ से एंगल हमारा आर एस क्यू क्या आ गया गाइज सेवेंटी फाइव डिग्री नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर एस इन ट्राइंगल क्यू आर एस इस ट्रैंगल क्यू आर एस में अब आप एंगल सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो सेवेंटी फाइव डिग्री प्लस सेवेंटी फाइव डिग्री प्लस में तो रिक्वायर्ड एंगल आर क्यू एस इट इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो गाइज़ यहाँ से हमारा एंगल आर क्यू एस किया जाएगा थर्टी डिग्री दैट इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो इस अच्छे क्वेश्चन में अल्टरनेट सेगमेंट का क्या बेहतरीन यूज़ हुआ है ओके गाइज सो दट वॉज द क्वेश्चन बेज्ड ऑन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आई होप सो इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे थैंक यू वेरी मच